जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोजगार संकल्प चैनल में। साथियों, अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट है, चाहे आपने ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, तो आपके लिए दोस्तों यहां पर जो है SBI ने अप्रेंटिस का यहां पर मौका निकाल के दे रखा है। तो आपको SBI से अप्रेंटिस जरूर करना चाहिए, जिसके लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी निकाली गई है, 6160 वैकेंसी जारी किया गया है, जिसके लिए आपको जरूर से जरूर इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। एक सिंगल एग्जाम यहां पर कंडक्ट कराया जा रहा है और उस एग्जाम को क्रैक करके आप 15,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। एक साल के अप्रेंटिस ट्रेनिंग का कोर्स रहता है, साथ में सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रदान किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आगे चल के बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, जैसे कि SBI में कोई भी वैकेंसी वगैरह आएगी तो आपको उसका वेटेज वगैरह यहां पर आपको मिलने वाला है, बेनिफिट्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अप्रेंटिस जरूर करना चाहिए, अगर आपसे यहां पर ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं तो। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, इस वीडियो में मैं आपको इस अप्रेंटिस से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह, अभी तक आपने रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जो है इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है कैसे आप देख सकते हैं वो चीज मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं नोटिस के माध्यम से सारी जानकारी बारी बारी से दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है SBI की यहां पर जो वेबसाइट पर आएंगे, कैरियर और ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जैसे ही आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। साइड कॉर्नर में ऊपर लेटेस्ट अनाउंसमेंट करके ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर मेंशन करके बता रखा है और इसमें वैकेंसी आ चुकी है, और इस पर क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, जो 1/9/2023 से चालू हो चुका है, 21/9/2023 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, 21/9/2023 है, और इसका जो एग्जाम है अक्टूबर-नवंबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एक तरफ यहां पर स्टेट देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ लैंग्वेज यहां पर बता रखा है, तो अपना जो लैंग्वेज है वो जो आपका लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और एक सर पर यहां पर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है। PWBD के लिए भी यहां पर वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। यहां पर स्टेट देख सकते हैं, तो टोटल हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 6160 यहां पर वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सीट्स देख सकते हैं, स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पर सीटों को बांट रखा है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स तक। कब तक, यहाँ पर 1/8/2023 तक आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी मिनिमम उम्र 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी जनरल कैटेगरी वाले को। वहीं दोस्तों OBC वाले को 3 साल का एज मिलेशन का लाभ मिलेगा और SC/ST वाले को 5 साल का एज मिलेशन का लाभ मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, कोई भी डाउट जो है नहीं रखना है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन यहां पर मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ होना चाहिए तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपका जो ग्रेजुएशन है 1/8/2023 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग जो है आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। बेनिफिट जो है स्टाइपेंड वगैरह कितना क्या मिलेगा, देखिए 15,000 रुपए आपको यहां पर जो है प्रति महीना जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब 12 महीने तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसके अलावा अदर कोई भी अलाउंसेस वगैरह बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिए जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहां पर जो है जो आपका वेटेज है कौन से यहां पर पोस्ट के लिए मिलेगा, अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसमें बता भी दे रखा है कि वेटेज और यहां पर जो है वेटेज रिलेशन इन रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट के पद पर, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहां पर सक्सेसफुल जो है अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे चल के जब भी यहां पर जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी वगैरह निकलेगी उसमें आपको यहां पर बेनिफिट वगैरह मिलेगा, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट है यहां पर देख सकते हैं, जॉइंट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जॉइंट इश्यूड बाय द SBI NSDC और BFSI SSC के द्वारा आपको मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस यहां पर बता रखा है, यानी कि आपको 4 अलग-अलग पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के बराबर होंगे और हर एक पार्ट का यहां पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और मीडियम जो है आपका
पेपर का सिर्फ इंग्लिश यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो अक्टूबर और नवंबर माह में कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये यहाँ पर चेंज होता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर बता रखा है, यानी कि कौन से स्टेट में कौन कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर पढ़ने वाला, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको फीस भी देना है। फीस किनको देना है? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपये फीस देना है और एससीएसटी पीडब्ल्यूडी को फीस नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट के माध्यम से इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट इसके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने लगभग सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है, और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट और कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार की ऐसे ऑथेंटिक एंड जेन्युइन अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।